प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि बैठक में माई भारत नाम की संस्था बनाने का फैसला लिया गया है। माई भारत प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को जोड़ा जाएगा। ऊर्जा का कर्तव्य बोध और सेवा भाव के साथ राष्ट्र निर्माण में उपयोग करने के उद्देश्य हेतु माई भारत नाम की एक यूनानिमस संस्था बनाने का निर्णय लिया है। माई भारत, मेरा युवा भारत, युवाओं को विभिन्न स्कीम्स प्रोग्राम्स के साथ जोड़ा जाएगा और एकीकृत मैकेनिज्म के अंतर्गत फोकस रूप से भारत सरकार के जो कार्यक्रम है युवाओं से जुड़े उनको इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, जिसमें होल ऑफ गवर्नमेंट की अप्रोच के साथ हम गवर्नमेंट या अन्य स्टेक होल्डर्स को भी वहां पर जोड़ें और युवाओं की उसमें भूमिका और सुदृढ़ करें। जो पॉलिसी सरकार की है वो भी जब इतने करोड़ों युवा देश के एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगे, माई भारत एक ऐसा एस्पिरेशनल बॉडी है जहां पर युवा करोड़ों की तादाद में जुड़ेंगे देश और विदेश से, और भारत को विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए माई भारत प्लेटफॉर्म कारगर सिद्ध होगा। तो ये सेवा भाव और कर्तव्य बोध के साथ साथ हम सशक्त एवं सबल भारत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और इस पर युवाओं की भूमिका बड़ी हो, इसके लिए माई भारत प्लेटफॉर्म आज देश के लिए, देश के युवाओं के लिए मोदी सरकार ने मंजूर किया है। प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि देश के करोड़ों युवा इस पर जुड़ें और देश को आगे बढ़ाने में, राष्ट्र निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका हो। युवा हमारा वर्तमान भी है, भविष्य भी है, तो कल का इंतजार क्यों, आज से ही क्यों ना जुड़ें। और इसी महीने के अंत में 31 अक्टूबर को इसको राष्ट्र के लिए समर्पित किया जाएगा।